रूमी की अम्मी की तबीयत कैसी है? बेहतर है, पहले से घर आ गई हैं। लेकिन रूमी बता रही थी बहुत उन्हें वीकनेस हो रही है और शुगर भी कंट्रोल में नहीं है। माँ की तरफ से वो बहुत परेशान है। अच्छा किया आपने कि उसको नहीं बुलाया, उसे वहीं रहने दिया, वरना उसका दिमाग वहीं लगा रहता। वैसे आपने सैरिश से पूछा कि वो क्या चाहती है? पूछने की क्या जरूरत है, सैरिश का चेहरा बता रहा है ये बहुत खुश है। बोलो भाई, खुश होना तुम बहुत। बोलो। ये ले, चने जल्दी से पी। नहीं बस, अम्मी 2 चम्मच तो और पी ले, आपने कुछ भी नहीं खाया है। क्या नहीं पिया जा रहा ना मुझसे, तुम रख दो ना, मैं बाद में खुद पी लूंगी जब दिल चाहेगा। बस एक ही दिन में इतनी कमजोर हो गई हैं, अपना ख्याल रखा करें। बेटा, आरिफ बिला वजह परेशान हो जाता है, और देखो ना परेशान होके तुम्हें भी वहां से ससुराल से बुला लिया। मुझे बता, तुम्हारी सास का फोन आ रहा था ना, क्या कह रही थी वो? आपकी तबीयत का पूछ रही थी, और एक गुड न्यूज भी है, वो क्या? सैरिश का रिश्ता आया है बहुत अच्छी जगह से। मामा बहुत खुश थी। और सैरिश बेटा, उसका खुश होना ज्यादा जरूरी है। अम्मी, सैरिश जहाँ जॉब करती है वहां के वो सीईओ हैं। और सैरिश तो शुरू से यही चाहती थी, बहुत अमीर फैमिली है। और मामा बता रही थी कि इकलौता बेटा है वो, और जो उनकी अम्मी है ना, उनसे तो मैं खुद मिली हूँ, बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई खातून है। चलो अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसकी नसीब अच्छे करे। आमीन। आमीन। अच्छा चले, दवाई खाए, गेले आते और पानी पिए। बहुत तंग करती हूँ। अरे बेटा, ये कहा है ना, मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ और जाके आहिल को संभालो, कब से उसे अकेला छोड़ा हो। हमी अयान के साथ खेल रहा है, वो अकेला नहीं है। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीती, जाओ जाके रेस्ट कर। सूप तो आपने मेरे कहने से पिया नहीं, ये बात मैं आपकी नहीं सुनूंगी। जब तक सो नहीं जाती यहीं बैठी। अच्छा बाबा, मैं सो रही हूँ।